आप इतिहास पढ़ लेना, साहित्य पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि जो माता रानी का जो लक्ष्मी बीज माना गया है, देवी पुराण में बताया, रोज कोई माला नहीं घुमा सकते हैं, इतनी लंबी लंबी लंबे लंबे मंत्रों की माला नहीं घुमा सकते, कई घरों में वो आर्थिक व्यवस्था का प्रबंध नहीं हो पाता, कई कटोकटी भी हो क्रिएट हो जाती है, इसलिए जिनको भी माता रानी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है ना, तो देवी पुराण में बता दिया है मेरी माता ने और देवी अथर्वों में भी बताया है। माता रानी तक पहुंचना है ना, देवी अथर्व पर मैं बहुत वजन देती हूँ। देवी अथर्व बोलने में 3 मिनट लगती, एक बार कंठस्थ हो जाने के बाद बस फटाफट हो जाता है। देवी अथर्वम भी बताया है और देवी भागवत जी में बताया है, पंचम स्कंध में भी बताया और सप्तम स्कंध में भी बताया है कि माता रानी का जो महालक्ष्मी जी की जिन पर कृपा उतर आवे, तो महालक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र बोलना चाहिए, जपना चाहिए। बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र आपके भाग्य को भी बदला सकता है, वो बीज मंत्र में ताकत है। और वो बीज मंत्र क्या है? नवाहन मंत्र में आप बोलते हैं, ओम आयम रिम क्लिम चामुंडा ये विच्चे। एम जो है ओ सरस्वती मंत्र है, रिम है वो लक्ष्मी बीज है। जो कोई भी भक्तजन माता रानी की सन्निधि में बैठकर जो ये लक्ष्मी बीज का अगर रोज माला जपे ना, तो उस पर माता रानी की कृपा आज नहीं तो कल होगी ही होगी।